अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे कि हमारी कैट के अंदर अगर एयर माइट्स हो गई हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं घर पर। इसमें बहुत से एयर माइट्स के ड्रॉप आते हैं जिसमें डी माइट के नाम से आता है, बायोलिन के नाम से आता है, और इन तमाम की पिक्चर जो है मैं लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप किसी भी पेट स्टोर से खरीद सकते हैं। आपने किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, आपने जस्ट 2 से 3 ड्रॉप जो होते हैं वो कैट के कानों में डालने हैं और हल्का सा मसाज करना है, और 10 से 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आप कोई भी कॉटन लें या कोई गॉज पीस ले लें और उससे आपने कैट के एयर को अच्छे से साफ करना है। और इसके अलावा आप एयरबड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी एहतियात से करनी है ताकि ज़्यादा आगे तक अंदर तक ना जल जाए जिससे कैट का जो एयर होता है वो डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा जो है सोडा ग्लिसरीन के नाम से भी ड्रॉप आते हैं जो कि आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, और इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने ये भी सेम 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं और हल्का सा मसाज करना है, और उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपने क्या करना है, आपने कैट के कानों को किसी भी कॉटन पीस से अच्छे से साफ कर लेना है। और कुछ लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि हमें कोई होम रेमेडी बताएं, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने एप्पल साइडर विनीगर लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना है और उसको अपने कॉटन के ऊपर अप्लाई करके उससे भी अपने कैट के एयर जो होते हैं वो साफ कर सकते हैं। और ये थी हमारी आज छोटी सी वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।